अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा बट एज ऑलवेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब्स के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मलेशिया में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी फेमस कंपनीज हैं वहां पर, सैलरीज क्या रेंज करती हैं, किन पोर्टल्स और वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए, तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज की कंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कंट्री इस्लामिक कंट्री है जिसका नाम है मलेशिया। बहुत सस्ता और चीप कंट्री है, जाने के हिसाब से भी आपको जितने पैसे चाहिए वो भी बहुत कम है, बहुत सस्ते और चीप है। बहुत सस्ता कंट्री है, रहने के हिसाब से भी बहुत सस्ता कंट्री है। और सबसे बड़ी बेनिफिशियल जो बात है वो ये है कि एक इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा इस कंट्री में लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा सस्ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर निकलें, किसी ऐसी जगह जाना चाहें जहां फूड का मसला ना हो, इंटरनेट का मसला ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला ना हो, जहां पे आप सुकून से रह सके, अपना काम कर सके, आपके पास इस्लामिक कंट्री हो जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, तो मलेशिया से अच्छा कंट्री शायद आपको कोई ना मिले। यहां का खाना अच्छा होता है, मुस्लिम कल्चर है, बहुत सुकून के शरीफ लोग हैं। इजिप्ट की तरह नहीं है कि हर बंदा दूसरे बंदे का सर फाड़ रहा है, बहुत अच्छे शरीफ, फ्रेंडली, वेलकमिंग और हेल्पफुल लोग हैं यहां के। इसके अलावा अगर आप यहां पे काम करते हैं तो पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं जैसे मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। मलेशिया एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक डेवलप्ड कंट्री है। एशिया में इस कंट्री की बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है क्योंकि यह कंट्री एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पूरी दुनिया से हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इनफैक्ट कि पूरा साल ही आते रहते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बड़ा ट्रॉपिकल सा वेदर है हमारे पाकिस्तान की तरह। यहाँ के लैंडस्केप्स, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने वाली है, तो इस वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, अपनी वेकेशन स्पेंड करने आते हैं, कोई स्टडी पर्पज के लिए आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी बेस पे आते हैं, यहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करते हैं और बहुत से लोग इस कंट्री में बिजनेस पर्पज के लिए भी और जॉब के लिए भी आते हैं। मलेशिया ब्रुनाई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। ऑलमोस्ट 35 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और कुआलालंपुर इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। मले यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बट ये कंट्री बहुत ज्यादा चीप है। दुनिया भर से लोग इस कंट्री में आते हैं, बहुत सारे पर्पज के लिए आते हैं, कोई स्टडी पर्पज के लिए आ रहा है, कोई टूरिस्ट के पर्पज के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस पर्पज के लिए आ रहा है, कोई जॉब पर्पज के लिए आ रहा है, बहुत सारे पर्पज के लिए दुनिया भर से लोग जो है वो इस कंट्री में आते हैं। तो 70-80% यहाँ के लोग जो है वो इंग्लिश जानते भी हैं, बोलते भी हैं और समझते भी हैं। मलेशियन रिंगट जो है वो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। एक मलेशियन रिंगट जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 64 रुपीस के इक्वल है। मलेशिया इज अ रिलेटिवली ओपन स्टेट ओरिएंटेड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट इकोनॉमी। इट हैज द वर्ल्ड्स 31st लार्जेस्ट इकोनॉमी। मलेशिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम इज अ मेजर एक्सपोर्ट। मलेशिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। मैन्युफैक्चरिंग हैज अ लार्ज इन्फ्लुएंस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। जॉब्स की बात करें अब यहाँ पर, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक भी है, तो एज यू ऑल नो के जॉब्स जो होती है वो यहाँ पर दो टाइप्स की होती है। नंबर वन इज व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड नंबर सेकंड इज ब्लू कॉलर जॉब्स। और एक वो जॉब्स होती हैं जो कि बिल्कुल लोअर लेवल की होती हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स तो यू नो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्पेसिफाइड जॉब्स होती हैं, लाइक आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं या बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये अच्छी पोजीशंस होती हैं जिसमें आपने प्रॉपर डिग्री की हुई होती है। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं जिनको हम व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें तो ब्लू कॉलर जॉब्स में वो जॉब्स आती हैं जो बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफाइड ना हो, कोई इतनी बड़ी या खास आपने डिग्री ना की हो, आपकी ज्यादा क्वालिफिकेशन ना हो, आपके पास कोई छोटा सा स्किल हो जिसकी सर्टिफिकेशन आपके पास हो, लाइक अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, मैकेनिक है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई काम आता हो, तो इस तरह की अगर छोटी चीजें या छोटे काम आपको आते हैं तो दिस इज कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। अब बात करूं मैं यहाँ पर लोअर लेवल जॉब्स की, तो लोअर लेवल जॉब्स में एज यूजुअल आप सब जानते हैं कि वही जॉब्स आती हैं कि आप रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं एज अ वेटर, एज अ सर्वर, एज अ फूड डिलीवरी। इसके अलावा ये टूरिस्टिक कंट्री है, आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड फील्ड्स में जाके काम कर सकते हैं, लाइक होटल मेंटेनेंस एंड क्लीनर्स की जॉब आ जाती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल रहती हैं और एग्रीकल्चर फील्ड्स की भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होती है। तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब आप व्हाइट कॉलर जॉब्स में अप्लाई करेंगे वहां पर तो आपकी बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, बट इन ब्लू कॉलर जॉब्स में भी जो है वो आपके पास एटलीस्ट 2 साल का ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप यहाँ पर शो करवा सके। और अगर आप हेल्पर हैं, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, तो ऐसी जॉब्स में आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। क्योंकि एज अ हेल्पर या क्लीनर या ड्राइवर जो होता है वो कोई ज्यादा टफ ट्रेनिंग नहीं होती है, वो लोग आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है बिल्कुल ट्रेन कर देते हैं 100%, बस आपने उनके वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। खैर एजुकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्या चाहिए होती है, तो अगर आप ब्लू कॉलर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं पास भी हैं या जितनी भी एजुकेशन आपने की हुई है या कोई भी एजुकेशन नहीं की हुई तो भी यहाँ पर चल जाएगा। बट हाँ, अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब सर्च कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आईटी इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, या आप मैनेजर या सुपरवाइजर की पोस्ट देख रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जॉब सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास रेलिवेंट फील्ड की जो है वो डिग्री और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ कॉमन और फेमस कंपनीज है यहाँ पर जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है, ये कह ले कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी फर्म्स है, जिनमें पेट्रोन्स केमिकल ग्रुप हो गया, सिमडर भी, प्रेस मेटल ग्रुप, कोसान एल्यूमिनियम, अलमेगा एल्यूमिनियम, केमको एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फर्म्स होती हैं जो आपको हायर करती हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि आपने अगर उनमें अप्लाई किया हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया को मीट ना कर पा रहे हो, तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है वो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज से लिंक होते हैं, तो जिस दूसरी कंपनी की रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया के साथ आपका जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा हो तो वो आपको वो दूसरी कंपनी में जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। नॉर्मली यहाँ पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, अगर आप बिजनेस के लिए आते हो तो आपको बिजनेस वीजा लेना पड़ता है। खैर हमें यहाँ पर जॉब से रिगार्डिंग बात करनी है, तो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉयमेंट वीजा, उस एम्प्लॉयमेंट वीजा की बेस पे आप ट्रेवल करके वहां जाके जॉब कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे जॉब सर्च कहाँ करनी है, कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है, तो कुछ वेबसाइट्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो ये कुछ 4-5 वेबसाइट्स हैं, अगर आप मलेशिया में हैं तो आप वहां से बैठे हुए भी इन वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं, या अगर आप अपने होम कंट्री में बैठे हुए हैं वहां से बैठे हुए सर्च करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 जॉब वेबसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि jobstreet.com हो गई, इसके अलावा myfuturejobs.com, LinkedIn, Glassdoor, CareerJet और इस तरह के बेशुमार पोर्टल्स और वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। बट ये कुछ स्पेसिफिक जॉब साइट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जहां से हर बंदा जो है वो इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत इजीली। सैलरीज ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो जैसे अकाउंटेंट हो गया, आईटी स्पेशलिस्ट हो गया, डेवलपर हो गया, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया, रियल स्टेट से रिलेटेड हो गया, या कोई भी स्किल फील्ड से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई काम हो गया, तो आप यहां पर 4000 मलेशियन रिंगट से लेकर 10000 मलेशियन रिंगट तक पर मंथ इजीली अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी अगर आप पाकिस्तानी लिहाज से कैलकुलेशन करें तो आप 2.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक जो है वो पर मंथ यहाँ पर इजीली अर्न कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज स्किल वर्कर की सैलरी बताई है, अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा स्किलफुल पर्सन है, तो आप इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, इवन कि आप पाकिस्तानी लिहाज से 10 से 12 लाख रुपए भी इजीली पर मंथ का कमा सकते हैं। बट ओवरऑल ये टोटली डिपेंड करता है एक बंदे के एक्सपीरियंस पे, उसकी क्वालिफिकेशन पे और उसके स्किल्स पे। आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने आप स्किलफुल पर्सन होंगे, आप यहाँ पर उतनी ही ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप किस टाइप का जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग तो टोटली डिपेंड करती है, चाहे कोई बंदा स्किलफुल हो चाहे कोई अनस्किलफुल हो, ये टोटली डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे। आपका जितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, डेफिनेटली आप उतनी ज्यादा अच्छी अर्निंग करेंगे। और सेकंडली ये डिपेंड भी कर रहा होता है आपके टाइप ऑफ वर्क पे, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है सारी दुनिया में आजकल है। इसी तरह ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, टेक्नीशियन है, प्लंबर है, पेंटर है, मैकेनिक है, या हेल्पर हो गया, क्लीनर हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसमें आपको जो है वो 3000 मलेशियन रिंगट से लेके 5000 मलेशियन रिंगट के राउंड अबाउट जो है वो मलेशिया में सैलरी ऑफर की जाती है। खैर आप जितना यहाँ पे ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे आप अर्न कर सकेंगे। ये मैं बस मलेशिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप स्किलफुल पर्सन होंगे, आपकी मार्केट में उतनी ज्यादा वैल्यू होगी और आप उतनी ही ज्यादा वहां पर अर्निंग कर सकेंगे। खैर ब्लू कॉलर जॉब्स में जो है वो आपको 3000 मलेशियन रिंगट से लेके 5000 मलेशियन रिंगट तक जो है वो सैलरी ऑफर की जाती है, जो कि मलेशिया के हिसाब से एक डिसेंट सैलरी है। और अगर आप उसको पाकिस्तानी हिसाब से देखें,
पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो आप करोड़पति ना सही, कम से कम आप लखपति तो जरूर हैं। मलेशिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। मलेशिया में आप रह सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को वहां पे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि मलेशिया वो वाहिद कंट्री है जो मुस्लिम्स को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम डेट एक अफोर्डेबल और रीजनेबल कंट्री है। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। अगर आप यहाँ पे कम से कम 2000 मलेशियन रिंगट भी कमा रहे हैं ना, तो भी आपका इस कंट्री के अंदर सर्वाइव बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा कम है। खैर, बाकी फर्दर पॉइंट्स को, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट आज की हमारी जो स्पेसिफिक वीडियो थी वो जॉब्स इन मलेशिया के हवाले से थी, जिसमें मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और उम्मीद करता हूं कि मैंने कोई पॉइंट को मिस नहीं किया होगा। इनकेस अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट मिस भी हो जाए या हो गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, अपनी राय दिया करें, अपने क्वेश्चंस और अपनी क्यूरीज वहां पर ऐड किया करें, ताकि हम फर्दर इस कंट्री से आने वाली रिलेटेड वीडियोस में जो है उन सबको कवर कर सकें, जिससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको भी आपकी क्वेश्चंस और क्यूरीज के आंसर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।